नमस्कार मित्रों, जय जय मां भारती, लॉन्ग लिव बॉलीवुड, लॉन्ग लिव हिंदी सिनेमा, लॉन्ग लिव इंडियन सिनेमा। मित्रों, सड़क टू का ट्रेलर रिलीज हुआ और एक इशू आया सामने कि वो एंटी हिंदुइज्म है। आखिर बॉलीवुड क्यों है एंटी हिंदुइज्म? एक फिल्म आई थी पिछले साल, मिशन मंगल। अब जिसने मिशन मंगल देखी होगी, उसमें जब शुरू में जब टाइटल क्रेडिट्स चल रहे थे फिल्म में, मिशन मंगल के स्टार्टिंग में, अब उसमें एक परिवार है, संजय कपूर फादर है, विद्या बालन मदर हैं, हिंदू परिवार है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा करती हैं, पूरे हिंदू धर्म से रहती हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और इतना ज़्यादा हिंदू शास्त्रों को मानती हैं कि जब इसरो की साइंटिस्ट हैं वो, और जब वो यान जब सैटेलाइट को रिलीज करते हैं तो वो पंडित जी को बुला के मुहूर्त भी करवाती हैं। अब उसमें जब ये टाइटल रोल चल रहा है तो वो अपने बेटे के कमरे में आती हैं विद्या बालन, और वहाँ एक किताब देखती हैं। हिंदू परिवार है और प्रॉपर हिंदू परिवार जो शास्त्रों के हिसाब से चलने वाला, उनका टीनेजर सन है, वो आती हैं कमरे में, वो एक किताब देखती हैं, कहती क्या है वो, एकदम से वो बेटा वो छुपा के किताब ड्रॉअर में डाल देता है। आप उसका क्लोजअप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा है होली कुरान। तीसरे चौथे सीन में संजय कपूर जो फादर हैं और बेटा जो उनका टीनेजर, हिंदू टीनेजर, उसका झगड़ा, उनका झगड़ा आपस में हो रहा है कि वो बोल रहा है देखो इसका दिमाग खराब हो गया है, कुरान पढ़ रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया कुरान पढ़ रहा है, हिंदू परिवार का एक टीनेजर कुरान पढ़ रहा है। और चार पाँच सीन के बाद वो सब्जी काट रही है विद्या बालन, संजय कपूर भागा भागा आता है, तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। कुछ पांच सात सीन के बाद वो अक्षय कुमार जी के साथ इसरो में चल रही हैं तो पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, कह रही हैं मेरा बेटा जो है वो ARRHMAN म्यूजिक डायरेक्टर का फैन है और वो मुसलमान बनना चाहता है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि मिशन मंगल जा रहा है, मिशन मंगल में ये सीन दिखाने की क्या जरूरत है? तीन चार पांच सीन आपने डाल दिए कि एक हिंदू परिवार का टीनेजर वो कुरान पढ़ना चाहता है, नमाज पढ़ता है, कोई लेना देना नहीं मिशन मंगल से, क्यों दिखाना चाहते हो कंट्रोवर्शियल चीजें आप जिसमें हिंदुइज्म की बदनामी हो? जब पहला जो मिशन है उनका वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो वो अनाउंस करता है जब अक्षय कुमार के वो मिशन हम अब लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट, तो लॉन्च से पहले पंडित जी नारियल फोड़ते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और वो मुहूर्त, तो अक्षय देखता है विद्या बालन को, विद्या बालन कहती हैं ठीक है मैं चाहती हूँ कि वो, और वो दिखाते हैं कि वो मिशन फेल हो गए। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये मुहूर्त वहूर्त सब बकवास है। क्यों आप एंटी हिंदुइज्म के सीन्स बड़े पिरो के स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठ के डिजाइन करके कि हिंदुइज्म को नीचा दिखाना है, वैदिक विज्ञान को नीचा दिखाना है, क्यों करते हैं ऐसा? क्या लेना देना है कि एक पहले आप क्यों दिखाना चाहते हो कि एक हिंदू टीनेजर जो है वो इस्लाम और वो नमाज और वो कुरान, क्यों दिखाना चाहते हो कि वो कुरान पढ़ना चाह रहा है और नमाज पढ़ता है? उसका मिशन मंगल से कोई लेना देना नहीं। जबरदस्ती के चार पांच सीन आप हर फिल्म में ऐसे ठोक देते हैं। मुझे तो ध्यान नहीं आता, लगान में एक भजन था, ओ पालन हारे
निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। 2001 में रिलीज हुई थी, आज 2020 आ गया, मेरे को तो 20 साल में इक्का दुक्का कोई भजन आए होंगे फिल्म में, और सूफी सूफी गाने 100 से ऊपर। क्या हो रहा है, हिंदी फिल्मों में भजन आने क्यों बंद हो गए पिछले 10-15-20 साल में? क्या हो रहा है, ये एंटी हिंदुइज्म क्यों हो रहा है फिल्मों में? एक विधु विनोद चोपड़ा जी हैं, हर फिल्म में वैदिक विज्ञान को, हर फिल्म में मुहूर्त को, हर फिल्म में जो जो वर वधु मिलान है उसको गाली दे देते हैं। उन्होंने तो फिल्म ही बना डाली है एक पीके, जिसमें दबा के हिंदुइज्म को गाली। आपने, आप कहते हैं ढोंगी बाबा तो डॉक्टरी लाइन में भी है, ढोंगी बाबा तो वकीलों में भी, हर नेताओं में भी ढोंगी बाबा है। आप विज्ञान को कैसे गाली दे सकते हैं? आपने कह दिया शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाओ और जल ना चढ़ाओ, आपने कभी उसकी विज्ञान के जानने की कोशिश करी? आपने रिसर्च करी कि शिव जी के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, उसके पीछे क्या विज्ञान है? वैदिक विज्ञान में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कारों में हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। आपने जानने की कोशिश करी? आपने रिसर्च करी? बस दिखा दिया कि ये तो सब बकवासबाजी है, हिंदुइज्म तो कुछ नहीं है, ढोसलेबाजी है। क्यों है ये बॉलीवुड की में आप एंटी हिंदुइज्म के कहानियां, स्क्रिप्ट्स और सीन्स लिखते हैं? वर वधु मिलान मंगली को गाली दे देते हैं, मंगल ग्रह को गाली दे देते हैं, वैदिक ज्योतिष को गाली दे देते हैं। आप जानते हैं, आपने कोशिश करी कि जो वर वधु मिलान होता है, जो अष्टकूट मिलान होता है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स मिलाए जाते हैं वर वधु के, प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम के, ये जो 8 पॉइंट मिलाए जाते हैं, इनके पीछे विज्ञान क्या है? ये इसलिए करा जाता है कि एक लड़का और लड़की जब आपस में सात पति पत्नी, उनमें निभेगी नहीं निभेगी, उनमें दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी, उनमें प्यार रहेगा नहीं रहेगा, उनके परिवार, ये 8 पॉइंट अलग अलग इश्यूज है, उनके परिवार वालों में इतनी साइंटिफिक तरीके से वर वधु मिलान होता था, उनके दोनों के परिवार वालों में बनेगी भी के भी नहीं बनेगी, दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन में एक दूसरे को मदद करेंगे नहीं के करेंगे, संतान उनका नॉर्मल डिलीवरी से होगा कि IVF से होगा कि उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, गोद लेना पड़ेगा, जो उनका संतान होगा उसको कोई रेसेसिव जीन्स या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी जो दोनों के मिलने से हो रही है? ये 8 पॉइंट है। आज मॉडर्न साइंस में आप पति पत्नी का पहले क्रोमोसोम एनालिसिस करते हैं, जेनेटिक एनालिसिस करते हैं कि कहीं इन दोनों से जो बच्चा पैदा हो वो उसको थैलेसीमिया ना हो जाए। आज पति पत्नी का मिलान होता है उसमें एड्स का टेस्ट होता है, दोनों का पता चल जाए, एक को एड्स अपने दूसरे को दे दिया, हिपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, एक बहुत बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो उसको दे दी। वर वधु मिलान, यही वर वधु मिलान है भाई, उसको समझो, उसके विज्ञान को समझो। उसके गाली दे देते हैं वैदिक विज्ञान को, मुहूर्त को गाली दे देते हैं, और आप खुद जब फिल्म करते हैं दोस्तों, जब फिल्म जब शुरू होती है उसका एक मुहूर्त शॉट वर्ड बोला जाता है कि आज उसका मुहूर्त शॉट है, समय निकाला जाता है मुहूर्त। आप मुहूर्त के बिना ना तो ऑफिस खोलते हैं, मुहूर्त के बिना आप ना तो फिल्म की शूटिंग शुरू करते, और मुहूर्त को गाली देते रहते हैं, वैदिक विज्ञान को गाली देते रहते हैं। क्यों है बॉलीवुड एंटी हिंदुइज्म? आपने मंगल मिशन बनाई, मिशन मंगल, उसमें आप दिखा रहे हैं कि एक हिंदू बच्चा टीनेजर जो है वो इस्लाम के पीछे भाग रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, क्या लेना देना भाई मिशन मंगल से इसका? और एक आप पिक्चर बनाते हैं फगोट सिस्टर पे, खुद आमिर खान बनाते हैं दंगल, और वो जो दोनों रेसलर्स हैं कुश्ती लड़ती हैं, वो अखाड़े में कदम रखने से पहले बजरंग बली की पूजा करती है, बजरंग बली का नाम लेती है। आपने पूरी फिल्म में ना बजरंग बली दिखाया, ना बजरंग बली का मंदिर दिखाया, ना बजरंग बली की कोई प्रार्थना दिखाई। पूछो उनसे, अखाड़े में जाने से पहले जय बजरंग बली की पूजा होती है, करती है थी वो दोनों करती हैं। आपने वो बजरंग बली हटा दिया दंगल में से। आप क्यों है एंटी हिंदू? आप क्यों है एंटी हिंदुइज्म? बॉलीवुड को सोचना है इस चीज के बारे में, जवाब देना पड़ेगा। और अथॉरिटीज को इसको स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा कि बॉलीवुड एंटी हिंदुइज्म ना करे।
और यही बॉलीवुड के राइटर्स के, बॉलीवुड डायरेक्टर, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से पूछता है भारत, कि क्यों हो आप एंटी हिंदुइज्म, छोड़ दो ये एंटी हिंदुइज्म। भारत माता की जय, नमस्कार।